गाइस आप लोगों के लिए बहुत बुरी खबर है। कई सेंटर पे देखिए आपका बिहार होम गार्ड का पेपर लीक का मामला सामने आया है। एक जगह की बात करें तो एक जगह की नहीं, कई जगहों से पेपर लीक किया गया है। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि खगड़िया में 21 अभ्यर्थी कॉपी लेकर फरार। तो इस वाले वीडियो में सारी जानकारी मैं आपको दूंगा और कट ऑफ क्या रहेगा, कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा आप लोग। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने से ही नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें डेली लाइव टेस्ट होता है, और उस ग्रुप में एक बच्चा भी जुड़ा हुआ है जो कि बिहार होमगार्ड की तैयारी कर रहा था। उसका कल की डेट में एग्जाम था, वो बच्चा एग्जाम देने के लिए गया था। उसने हमको ये बताया है कि सर जहाँ पर मैं एग्जाम में दे रहा था वहाँ पर जो OMR और बुकलेट जो लोग देते हैं जो परीक्षा करवाते हैं वो लोग कई छात्रों को क्वेश्चन हल करके बता रहे थे। तो आप सोचिए कि ये मामला एक जगह से नहीं, कई जगहों से ये मामला सामने आया है। तो कई जगहों से नहीं, एक जगह से नहीं, कई जगहों से मामला सामने आ रहा है। तो देख सकते हैं आप लोग खगड़िया में 21 अभ्यर्थी कॉपी लेकर फरार। कटिहार से प्रश्न पत्र वायरल होने की अफवाह। पटना के केंद्रों पर उत्तर बनाने में जुटे परीक्षार्थी। लेट होने पर नहीं मिली परीक्षार्थियों को एंट्री। अब देखिए यहां से देखिए, जहानाबाद में नहीं मिला प्रवेश तो की रोडबाजी। वैशाली के एक सेंटर पर दो फर्जी शिक्षकों को लेकर हंगामा। ये भी मामला सामने आया है। कॉपी लेकर भागने वाले किए जा रहे हैं चिन्हित। ये भी मामला सामने आया है। तो कहने का मतलब यह है मेरा गाइस कि कई सेंटरों से ये पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि क्या इस पेपर को पूरी तरह से रद्द करना चाहिए या फिर नहीं। हमको तो ऐसा लग रहा था कि ये पेपर नहीं हो रहा है, कोई मजाक चल रहा हो, क्लासें चल रही हो, ऐसा लग रहा था कि पेपर नहीं क्लासें चल रही हो। कॉपी लेकर भागने वाले किए जा रहे हैं चिन्हित। होमगार्ड भर्ती परीक्षा के दौरान रविवार को बीएड कॉलेज परीक्षा केंद्र पर कैमरामैन द्वारा चिन्हित अभ्यर्थियों को मदद करने के विरोध में परीक्षार्थियों ने हंगामा किया। इसके बाद 21 परीक्षार्थी OMR सीट के साथ परीक्षा केंद्रों से फरार हो गए। SDO धर्मेंद्र कुमार बा, SDPO आलोक रंजन ने परीक्षा केंद्र पहुंचकर मामले की जानकारी ली। केंद्र निरीक्षक ने SDO को बताया कि 21 अभ्यर्थी कॉपी लेकर फरार हो गए। हालांकि इसी दौरान OMR सीट लेकर फरार हुए 21 से 12 अभ्यर्थियों ने अन्य लोगों के माध्यम से बीएड कॉलेज जाकर पहुंचा दिया, जो OMR सीट थी वो पहुंचा दिया। शेष 9 कॉपियां अभी भी लापता हैं। केंद्र अधीक्षक ने SDO को 9 छात्रों की सूची उपलब्ध करा दी है। उल्लेखनीय है कि परीक्षा केंद्र पर कदाचार युक्त परीक्षा संपन्न कराने के लिए लगाए गए कैमरा मैन द्वारा कुछ चिन्हित अभ्यर्थियों की चिट मदद किया जा रहा था, जिससे परीक्षा केंद्र दे रहे अभ्यर्थी आक्रोश हो गए। आक्रोशित अभ्यर्थियों ने लगभग 30 मिनट तक हंगामा किया। एक खबर और निकल के आ रहा है कि वैशाली के एक सेंटर में दो फर्जी शिक्षकों को लेकर हंगामा। हाजीपुर की यह खबर है। जिले के जमुनीलाल कॉलेज केंद्र पर फर्जी शिक्षकों की तैनाती को लेकर अभ्यर्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस केंद्र पर दो शिक्षकों पर अभ्यर्थियों ने फर्जी होने का आरोप लगाते हुए देर तक हंगामा किया। सूचना मिलते ही पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे, दो शिक्षकों को अरेस्ट कर लिया या बाहर कर दिया। इसके बाद मामला शांत हुआ। एक खबर निकल कर सामने सारे जहानाबाद से, देख सकते हैं आप लोग खगड़िया के एक परीक्षा केंद्र पर लगी अभ्यर्थियों की भीड़। आप लोग देख सकते हैं जिला मुख्यालय स्थित NS कॉलेज परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय बीते जाने के बाद केंद्र पर प्रवेश की इजाजत नहीं मिलने पर नाराज अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। रोडबाजी भी की गई है। हालांकि मौके पर तैनात पुलिस के जवान द्वारा हालात पर तत्काल काबू पा लिया गया। वही गौतम बुद्ध इंटर विद्यालय स्थित परीक्षा केंद्र पर कदाचार करते परीक्षार्थी को पकड़ा गया, जिसे परीक्षार्थी से निष्कासित करते हुए गिरफ्तार कर लिया। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि जो बच्चे तैयारी करते हैं मेहनत करते हैं उनके लिए जॉब नहीं है, ठीक है। जो बच्चे कुछ भी नहीं करते हैं, सब पैसों से ले देकर हो रहा है, बताइए। पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं परीक्षा सेंटर के अंदर, फर्जी शिक्षक लगाए जा रहे हैं। तो एक खबर देखिए कटिहार से आ रही है। कटिहार से प्रश्न पत्र वायरल होने की अफवाह। पटना केंद्र पर उत्तर बनाने में जुटे परीक्षार्थी। लेट होने पर नहीं मिली परीक्षार्थियों को एंट्री। ये पटना की न्यूज है, देख सकते हैं आप लोग। सिपाही भर्ती के अंतर्गत बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग के 551 पदों के लिए रविवार को लिखित परीक्षा हुई। परीक्षा राज्य के 38 जिलों के कुल
634 सेंटरों पर हुई। इसके लिए 2,57,276 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किया गया। परीक्षा में करीब 75 से 80% तक उपस्थिति रही। परीक्षा शुरू होने से पहले कटिहार के कुछ परीक्षा केंद्रों में प्रश्न पत्र वायरल होने की खबर आने लगी। वायरल की खबर आने से पटना के विभिन्न केंद्रों पर पूरे दिन हड़कंप मचा रहा। प्रश्न पत्र वायरल होने की खबर के बाद परीक्षार्थियों का मोबाइल लेकर प्रश्न पत्र को उत्तर बनाते भी दिखे। हालांकि प्रश्न पत्र के बाहर निकलने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बाद में इसे महज अफवाह बताया गया है। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा यूट्यूब के ऊपर कि बुक लेट से उन लोगों ने वीडियो बनाया है। तो कहने का मतलब है कि ये बोल रहे हैं कि ये सिर्फ अफवाह, अगर अफवाह है अगर, तो कल जो वीडियो बनाया है यूट्यूब पर लोगों ने वो किस तरह से बनाया ये बताइए। जो आपकी बुकलेट थी वो बुकलेट कहाँ से आई? अगर ये पेपर लीक नहीं हुआ है, वायरल नहीं हुआ, तो पेपर कहाँ से आ गया? क्योंकि पेपर प्लस ओएमआर सीट जो होती है आपकी, वो दोनों जमा करा ली जा रही थी, लेकिन वो जो पेपर था वो बाहर कैसे आया? उस पर भी वीडियो बने हैं, मैंने कई वीडियो मैंने देखे हैं। मैं चैनल का नाम नहीं लेना चाहूंगा। कई चैनल पर बाकायदा ओएमआर सीट से देखिए, ओएमआर हुआ आपका और बुकलेट, बुकलेट से वीडियो बनाया गया है। मेरा कहने का मतलब मेरा ये है। और ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक अफवाह है, अफवाह नहीं है, पेपर आपका लीक हो चुका है। तो कहने का मतलब जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको तो कुछ मिलेगा नहीं, और जो मेहनत नहीं करते हैं और पैसों के बल पर नौकरी ले रहे हैं उनको नौकरी मिल रही है, और जो बंदा दिन रात एक की है उनके लिए कुछ नहीं है, उनको जॉब मिलेगी ही नहीं। तो कहने का मतलब है जो बच्चा जनरल में आता है 80 से लगभग 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, तभी मान के चलिए आपका सिलेक्शन हो पाएगा। कॉमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए क्या इस पेपर को पूरी तरह से रद्द होना चाहिए या फिर नहीं। हमारे हिसाब से रद्द होना चाहिए। तो देख सकते हैं आप लोग, लेट होने पर नहीं मिली परीक्षार्थियों को एंट्री। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक चली। परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों की रिपोर्टिंग टाइम भी 2 घंटा पहले ही शुरू की गई। परीक्षार्थी केंद्र के मुख्य प्रवेश द्वार परीक्षार्थियों की गहन तलाशी के बाद प्रवेश की अनुमति मिली। कोविड-19 से बचाव को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन सभी केंद्रों पर किया गया। केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती के विशेष कार्य पदाधिकारी कमलकांत प्रसाद ने बताया कि परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदार मुक्त हुई है। सभी केंद्रों पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पर्याप्त संख्या में पुलिस बालों को प्रतिनियुक्त की गई है। तो आप लोग देख सकते हैं ये कह रहे हैं कि सिर्फ अफवाह है। कहने का मतलब, इनका कहने का मतलब ये है पुलिस वालों का कि ये पेपर लीक नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक अफवाह है, पेपर पूरी तरह से लीक हो गया है, और बोल रहे हैं कि ये पेपर लीक नहीं हुआ है, क्या बात है। देखिए, यदि आप सोच रहे हैं कि लिखित परीक्षा पास करने के बाद हम मेरिट में आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आप देख सकते हैं लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित जो परीक्षा होगी मेधा सूची का अंतिम अधिकार नहीं होगा। ये आपका जो नोटिफिकेशन है बिहार होमगार्ड का नोटिफिकेशन। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता योग्यता परीक्षा के लिए अर्हक होगी, ठीक है। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। तो 30% से ज्यादा यदि नंबर आपके आते हैं लिखित परीक्षा में, तभी आप सफल घोषित किए जाएंगे। 30% से यदि कम आते तो असफल घोषित किए जाएंगे। उन्हें शारीरिक दक्षता योग्यता परीक्षा में भाग लेने हेतु स्वीकृति नहीं दी जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार मेधा क्रम अनुसार 5 गुणा प्रत्येक कोटि के अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। शारीरिक जांच हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थियों का अनुपालन उपयुक्त रूप से केंद्रीय चयन परिषद द्वारा किया जाएगा। लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता योग्यता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अभ्यर्थी अनिवार्य होगा। शारीरिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित मापदंड में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी। तो कहने का मतलब है यदि आप लिखित परीक्षा में 30% से कम आपके अंक आते हैं तो आप सफल घोषित नहीं किए जाएंगे। मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ, 30% से नंबर कम आपके होते हैं तो आप इसमें सिलेक्ट नहीं होंगे। द्वितीय चरण जो आपका होगा शारीरिक दक्षता परीक्षण। शारीरिक दक्षता परीक्षण कुल 100 अंकों की होगी। इसमें निम्नलिखित स्पर्धाएं हैं, तो यहाँ से आप ही आपकी मेरिट बनेगी तभी आप सिलेक्ट होंगे। देखिए, सभी कोटि पुरुषों के लिए एक जो मील की दौड़ है 1.6 किलोमीटर की दौड़ है 6 मिनट में पूरी करनी होगी। देखिए, 5 मिनट से कम 50 अंक दिए जाएंगे, 5 मिनट से 5 मिनट से 20 सेकंड 40 अंक, 5 मिनट से 20 सेकंड से अधिक 5 मिनट 40 सेकंड तक 30 अंक दिए जाएंगे, 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 6 मिनट से तक 20 अंक दिए जाएंगे। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
तो देखिए सभी कोर्ट की महिलाओं के लिए 4 मिनट से कम की दौड़ है, 50 अंक दिए जाएंगे। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक 40 अंक दिए जाएंगे। 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 4 मिनट 40 सेकंड तक 30 अंक दिए जाएंगे। 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक 5 मिनट तक 20 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। गोला फेंक जो होगा आपका 25 अंक का होगा, तो देख सकते हैं आप लोग 9 अंक 13 अंक 17 अंक, मतलब कहने का मतलब है जैसे कि आपने 16 फीट से 17 फीट तक आपने फेंका तो 9 अंक दिए जाएंगे, 20 फीट से ज्यादा तक फेंका आपने तो 25 अंक दिए जाएंगे। उसी प्रकार से पुरुषों के लिए देख लीजिए आप लोग, गोला फेंक में देखिए 12 अंक 12 फीट फेंकना होगा, जो 12 पौंड का जो गोला है आपको 12 फीट फेंकना होगा। इसमें भी अंक निर्धारित हैं, 13 12 फीट से 13 फीट फेंकना होगा तो 9 अंक दिए जाएंगे, 116 फीट से ज्यादा फेंका तो 25 अंक दिए जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपका शारीरिक परीक्षण होगा, फिजिकल होगा आपका, कहने का मतलब ये है तभी आपकी मेरिट बनेगी, उसी के आधार पर आपका चयन होगा, ठीक है। अब आप पोस्ट देख लीजिए, कुल 250 पद आम अभ्यर्थियों के लिए और रिक्तियों की कुल संख्या 551 थी, ठीक है, जिसमें अनुसूचित जनजाति 3 पोस्ट, अनुसूचित जाति 48 पोस्ट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 54 पोस्ट, पिछड़ा वर्ग के लिए 36 पोस्ट, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 9 पोस्ट, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 30 पोस्ट, सामान्य वर्ग अनारक्षित के लिए 121 पोस्ट, ठीक है। आम अभ्यर्थी गैर रक्षा वाहिनी की रिक्तियों की बात कर लेते हैं, अनुसूचित जनजाति 3 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 40 पोस्ट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 47 पोस्ट, पिछड़ा वर्ग के लिए 28 पोस्ट, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 8 पोस्ट, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए 25 पोस्ट, सामान्य वर्ग अनारक्षित के लिए 99 पोस्ट, 250। चलिए कट ऑफ की बात कर लेते हैं, होमगार्ड का कट ऑफ क्या रहने का अनुमान है। जनरल की बात करते हैं तो जनरल वाले बच्चों ने, जिन बच्चों ने 65 से 70 क्वेश्चन बनाए हैं तो बच्चे फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो जिन बच्चों ने 59 से 64 क्वेश्चन बनाए हैं तो बच्चे फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। बीसी की बात कर लेते हैं तो बीसी में देखिए 63 से 68 जिन बच्चों ने क्वेश्चन बनाए हैं तो वो बच्चे फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ईबीसी की बात करते हैं तो जिन बच्चों ने 60 से 65 क्वेश्चन बनाए हैं तो बच्चे फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। एससी की बात कर लेते हैं तो जिन बच्चों ने 50 से 55 क्वेश्चन बनाए हैं तो वो बच्चे फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। एसटी की बात करते हैं तो जिन बच्चों ने 60 से 65 क्वेश्चन बनाए हैं तो बच्चे फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेशर कैटेगरी की, ठीक है, तो मेल में देखिए जिन बच्चों ने, जो यूआर के बच्चे हैं, जिन बच्चों ने 85 से 90 क्वेश्चन बनाए हैं तो वो बच्चे फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं में देखिए जिन बच्चों ने 70 से 75 क्वेश्चन बनाए हैं तो बच्चे फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। बीसी की बात करते हैं तो मेल में देखिए जिन बच्चों ने 78 से 83 क्वेश्चन बनाए हैं तो बच्चे फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। फीमेल की बात करते हैं तो जिन महिलाओं ने 65 से 70 क्वेश्चन बनाए हैं जिन बच्चों ने तो वो बच्चे फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ईबीसी की, तो जिन बच्चों ने 78 से 83 क्वेश्चन बनाए हैं तो बच्चे फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। महिलाओं की बात करते हैं तो जिन बच्चों ने 62 से 67 क्वेश्चन बनाए हैं तो बच्चे फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो जिन बच्चों ने 75 से 80 क्वेश्चन बनाए तो बच्चे फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। महिलाओं की बात करते हैं, जिन बच्चों ने 60 से 65 क्वेश्चन बनाए तो बच्चे फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। एससी की बात करते हैं तो जिन बच्चों ने 70 से 75 क्वेश्चन बनाए तो बच्चे फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। महिलाओं की बात करते हैं, जिन बच्चों ने 58 से 63 क्वेश्चन बनाए तो बच्चे फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। एसटी की बात करते हैं, जिन बच्चों ने 65 से 70 क्वेश्चन बनाए तो बच्चे फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। महिलाओं की बात करते हैं, जिन बच्चों ने 60 से 65 क्वेश्चन बनाए तो बच्चे फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं क्या इस परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करना चाहिए या फिर नहीं।